तो अजान वर्सेस जय हनुमान, इस विवाद के दरअसल कई पहलू हैं। राज ठाकरे अपने इस अल्टीमेटम के पीछे दलील ये दे रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक रंग ना दिया जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे। और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ घटा, सियासत कैसे जोरों पर है, एमएनएस कार्यकर्ताओं की किस तरह से धरपकड़ हुई आज मुंबई में अलग अलग शहरों से, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी के पास चलेंगे। राजीव, बिल्कुल मल्लिका, और इस खबर पर हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए क्योंकि ठाकरे वर्सेस ठाकरे है। और आज ठाकरे साहिल क्लियर कह चुके हैं कि जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या राज ठाकरे पर एक्शन संभव आने वाले वक्त में? देखिए, फिलहाल तो गिरफ्तारी का एक्शन मुझे नहीं दिखता कि हो पाएगा क्योंकि जो जिस कानूनों के तहत, जिस सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है वो सारे बेलेबल सेक्शंस है, और ऐसे में सरकार इस तरीके की कार्रवाई करेगी ये फिलहाल तो नहीं लगता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य उनका जो सेंटेंस है वो अंडरलाइन करने जैसा है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों पर भी, सिर्फ मस्जिद नहीं तो मंदिरों पर भी अगर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है। वो जरूर ये कह रहे हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो उनकी गुड़ी पाड़वा के रैली से हुई थी। तब तो उन्होंने सिर्फ मस्जिदों को ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर एक तारीख तक, रमजान खत्म होने तक आप लाउडस्पीकर लगा के रखिए, उसके बाद अगर नहीं उतरे तो एमएनएस के कार्यकर्ता उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कल एमएनएस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से नोटिसेस दी गई और उसके बाद उन पर एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने एक अपील जारी की, उसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं को अपील नहीं की थी तो उन्होंने तमाम हिंदुओं को ही अपील करने की कोशिश की थी, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के हिंदुओं को नहीं तो पूरे देश के हिंदुओं को उन्होंने अपील की थी। अब इसमें हमको राजनीति भी समझनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा तो ऐसा नहीं है कि अचानक उठा है। खुद राज ठाकरे के ट्विटर हैंडल से बाला साहब ठाकरे का एक पुराना भाषण उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो यही बात कह रहे थे कि ये लाउडस्पीकर हटने चाहिए। उसके बाद दो बार शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है लेकिन यह मुद्दा अभी भी वैसे के वैसे ही है। साहिल, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है क्योंकि देखिए बकायदा वीडियो जो ट्वीट किया गया राज ठाकरे की तरफ से, उसमें कहा गया कि अब सड़कों पर बैठकर नमाज नहीं होगी, साथ ही साथ लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, ये बाला साहब ने कहा उस समय। लेकिन यहाँ सफाई इस बात को लेकर आ गई शिवसेना की तरफ से कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, लेकिन जो ये पहला मुद्दा लाउडस्पीकर जिसको बड़ा बनाने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, इस मुद्दे पर शिवसेना की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। देखिए, मुद्दा ये यहाँ पर कि ये शिवसेना ने 2019 में कांग्रेस एनसीपी के साथ में जो गठबंधन किया और सरकार यहाँ पर बनाई, उसके बाद एमएनएस को लगता है कि जो हिंदुत्व की स्पेस है महाराष्ट्र में वो हथियाना चाहते हैं। वो बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। 2019 तक वो विपक्ष के स्पेस में थे, कांग्रेस एनसीपी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सरकार के खिलाफ वो महाराष्ट्र में बात कर रहे थे। 19 के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का स्पेस उनका खत्म हो गया और वो अब बीजेपी के साथ जो हिंदुत्व की स्पेस है उसमें अपना हिस्सा चाहते हैं। और 2019 में उन्होंने घोषित ही कर दिया कि अब इसके आगे वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर जाने जाएंगे या हिंदुओं को अपील करेंगे, हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में अपनी आगे की पॉलिटिकल रणनीति जारी रखेंगे। और उसी का हिस्सा ये हमने देखा गुड़ी पाड़वा की रैली में जो 2 साल के बाद हो रही थी, उसमें उन्होंने सबसे पहला काम किया तो लाउडस्पीकर का मुद्दा जो कई सालों से चलता आ रहा है वही मुद्दा उन्होंने उसमें उठाया। अब इसमें शिवसेना को जिम्मेदारी से जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उनकी सरकार है। बाला साहब ठाकरे खुद ही इसमें लाउडस्पीकर के बारे में बार बार कहते थे, तो ऐसे में जो शिवसेना नहीं कह सकती, जो शिवसेना नहीं कर सकती वो एमएनएस कर सकता है, और इसीलिए मुद्दा उठाया गया। अब जाकर, क्योंकि आज दिन भर में हमने देखा सुबह से जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने तो वैसे सारे हिंदुओं को करने के लिए कहा था लेकिन आखिरकार इस तरीके का आंदोलन राजनीतिक पार्टी के नेता ही करते हैं तो एमएनएस के लोग ही उसके लिए बाहर निकले और 3-4 जगह पर ये आंदोलन हुआ। यानी साहिल, कुल मिलाकर अगर देखें तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि जो विवाद है वो अभी के लिए सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है।